आज हम आप लोगों को ब्रोंकाइटिस के बारे में बताएंगे। ब्रोंकाइटिस का साइन सिम्टम, ब्रोंकाइटिस के काउजेस, ब्रोंकाइटिस के 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो बहुत ही कारगर है। और होम्योपैथिक मेडिसिन हर एक घर में कुछ न कुछ रखा रहता है। अगर इस चीज़ को जान गए, साइन और सिम्टम को जान गए, तो आप एक खुराक दीजिएगा तो तुरंत लाभ भी हो सकता है, और फिर उसके बाद नज़दीकी फिजिशियन से जाकर के आप मिल लें। तो ब्रोंकाइटिस का साइन सिम्टम क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो गया, ड्राई कफ हो गया, बलगम के साथ कफ हो गया, थॉट में टेंशन हो गया, जब आप एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज के बाद चेस्ट में पेन होता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, सांस में घड़ाहट की आवाज़ होती है, ये सब ब्रोंकाइटिस के साइन और सिम्टम है। और ब्रोंकाइटिस के काउजेज बता रहे हैं। ब्रोंकाइटिस का काउजेज, ब्रोंकाइटिस एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। तो ब्रोंकाइटिस कहते किसको है? तो विंड पाइप से, जहाँ विंड पाइप में इंफ्लामेशन रहता है, जहाँ से आप सांस लेते हैं वो लंग से ब्लो हो जाता है, उसी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ब्रोंकाइटिस का काउजेज एक्यूट भी बता दिए और क्रोनिक भी होता है। तो एक्यूट केस में आ गया, जैसे किसी को स्वाइन फ्लू हुआ है और कोई व्यक्ति बाइक से ट्रेवलिंग कर रहा है खुले हवा, ठंडा हवा में, उससे भी ये प्रॉब्लम होता है। अगर क्रोनिक में आप लंग ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहे हैं, दूसरी चीज जो निमोनिया सफर कर रहे हैं, उस सब व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस एक काउजेज है। और 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं ब्रोंकाइटिस का, जो बहुत ही कारगर काम करते हैं। ऐसे तो एलोपैथिक में ब्रोंकाइटिस का तो बस कुछ एक ही है, एंटीबायोटिक दे दिया, तो एंटीबायोटिक ज़्यादा ही हर्जा करता है और दिक्कत करता है उसमें। और उसके बाद ब्रोंकाइनिल ब्रोंकाइटिस जो दवा मेडिसिन चलता है एलोपैथिक में, वो कारगर नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है वो ब्रोंकाइटिस में बहुत ही कारगर मेडिसिन है। तो ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को हम बता रहे हैं। जैसे पल्सटीला, पल्सटीला मेडिसिन कब काम करेगी? जब आप आइसक्रीम खा लिए हैं और आपको ठंड लग गया और सर्दी खांसी वाला बीमारी हो रहा है, तो उसमें ये पल्सटीला बहुत बढ़िया काम करती है। दूसरा मेडिसिन है बेलाडोना। अब ब्रोंकाइटिस केस में है कि खांसते खांसते आपको चेहरा लाल हो जाए, तमतमाया हुआ चेहरा लगे, तो उस केस में बेलाडोना बहुत ही कर काम करती है। उसके बाद ब्रानिया है। तो ब्रानिया जो है ड्राई कफ, खांसते हैं उसे बलगम निकलता है, तो ड्राई कफ में ब्रानिया बहुत ही अच्छा काम करते हैं। एंटीम टार्ट में होता है कि आपका एकदम सीना में घर घर बलगम एकदम जमा हुआ है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, चेस्ट में पेन हो, तो एंटीम टार्ट बहुत ही काम करती है। उसके बाद होता है ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा फ्रेंड क्रोनिक के केस में ड्रोसेरा जो है बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है ब्रोंकाइटिस में। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे भी इस तरह का वीडियो हम आप लोगों को